पंजाब में आपकी आंधी में सारी पार्टियां उड़ गई हैं। पंजाब में शानदार जीत दर्ज करने के साथ आम आदमी पार्टी दो राज्यों में सरकार बनाने वाली पहली क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। पंजाब में आपने खुद को विकल्प के तौर पर मजबूती से पेश किया। आइए जानते हैं किन पांच बड़ी वजहों से आपकी पंजाबी में ये सुनामी आई। आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है, केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। सत्ता विरोधी लहर और बटी हुई कांग्रेस, पंजाब में बदलाव की सबसे बड़ी वजह 70 सालों से पंजाब में राज करने वाली दो पार्टियों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। कांग्रेस की अंदरूनी कलह और पिछले साल कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच चल रही सियासी प्रतिद्वंदिता एक सार्वजनिक झगड़े में तब्दील हो गई। इसने आपको पंजाब में मजबूती से खड़े होने का गोल्डन चांस दिया। दलित वोटरों को पाले में नहीं ला सकी कांग्रेस। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम बनाया, लेकिन पार्टी दलित वोटों को अपने साथ लाने में विफल रही। पंजाब में नेतृत्व संकट ने भी वोटरों को आपकी तरफ रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया। भगवंत मान को सीएम फेस बनाना, भगवंत मान को सीएम फेस बनाना आपका मास्टर स्ट्रोक रहा। भगवंत मान ने लंबे वक्त से अपने राजनीतिक और सामाजिक व्यंग से पंजाबियों के दिलों में राज किया है। भगवंत मान अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विपरीत ग्राउंड में काफी जबरदस्त पकड़ रखते हैं। वह संगरूर लोकसभा सीट से 2 बार जीत चुके हैं। उन्हें सिख समुदाय का समर्थन भी प्राप्त है। तुसी देखा होना किन्ना चिक्कड़ सुट्टिया साडे ते विरोधी पार्टियां दे लीडरां ने, अरविंद केजरीवाल जी ते मैनू निजी टिप्पणियां कीतियां, घटिया शब्दावली वरती गई, बेइज्जतियां कीतियां गईयां साडियां। अज मैं इस मंच तो उन्हां नूं कहना चाहुंदा, वीरो ये शब्दावली उन्हां नूं मुबारक होवे। शासन के तौर पर दिल्ली मॉडल को पेश करना, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के शासन मॉडल को पंजाब के घोषणा पत्र में शामिल किया। केजरीवाल ने पंजाब की जनता को सस्ती बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं का वादा किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से राज्य को ड्रग्स मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया। कांग्रेस सरकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने में विफल रही। केजरीवाल ने लोगों से पहला वादा रोजगार देने का किया। किसानों का आंदोलन, साल भर तक चलने वाले किसान आंदोलन ने आपके पक्ष में हवा बनाने का काम किया। बीजेपी के खिलाफ विरोध की भावना को कांग्रेस जमीन पर भुनाने में कामयाब नहीं हुई। आपने कांग्रेस की इस नाकामी का फायदा उठाया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा जैसे आपके सीनियर नेताओं ने किसानों के विरोध प्रदर्शन की जगहों का लगातार दौरा किया।